भिंड जिले के जिला अस्पताल के पास बनी पचासा लाइन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे खाली कराने को लेकर पूर्व में कई बार एसपी कलेक्टरों ने निरीक्षण कर लोगों को अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बाउंड्री वॉल और दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को देर शाम पुलिस विभाग के आला अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे और अतिक्रमण को तोड़ दिया, जिसमें मुख्य मार्ग पर बनी सड़क की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान का बड़ा हिस्सा भी शामिल था, जिसे तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं पुलिस डीएसपी अरविंद शाह ने बताया कि लंबे समय से पुलिस विभाग की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन जब इसे हटाने की बारी आई तो अतिक्रमणकारियों ने समझदारी दिखाई और अपना अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लिया, जिसके बाद इसे तोड़कर पुलिस ने विभाग की जमीन को मुक्त कराया है। कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। कार्रवाई चल रही है, पुलिस लाइन का कितना कब्जा था यहाँ? ये अपनी पुरानी पचास लाइन की जमीन के कब्जे में जमीन और इसका भी हमने सीमांकन कराया है, क्योंकि इसमें आगे निर्माण कार्य किया जाना है, तो इस सीमांकन में जो जमीन अतिक्रमण पे आई है उससे अपन अभी यहाँ कब्जा हटाया है। तो कितनी जगह लगभग तोड़ी गई है, किन लोगों की जगह थी ये? ये यही आपके सामने जो दिख रहा है रोड के किनारे बाएं तरफ जो जोधपुर मिष्ठान भंडार था उसके पीछे के जो घर थे इन्हीं के सामने, इनके घर के बाहर रोड के इधर इन्होंने बाउंड्री वॉल बना करके दिया था। हालांकि इन्होंने स्वेच्छा से ही अपनी जमीन पर से जो कुछ भी एक्स्ट्रा निर्माण कार्य था उन्होंने स्वेच्छा से हटवाया, खाली कर दिया था, बिल्कुल खाली किया है स्वेच्छा से इन्होंने। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भिंड जिले के जिला अस्पताल के पास बनी पचासा लाइन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे खाली कराने को लेकर पूर्व में कई बार एसपी कलेक्टरों ने निरीक्षण कर लोगों को अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बाउंड्री वॉल और दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद शुक्रवार को देर शाम पुलिस विभाग के आला अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे और अतिक्रमण को तोड़ दिया, जिसमें मुख्य मार्ग पर बनी सड़क की प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान का बड़ा हिस्सा भी शामिल था, जिसे तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं पुलिस डीएसपी अरविंद शाह ने बताया कि लंबे समय से पुलिस विभाग की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन जब इसे हटाने की बारी आई तो अतिक्रमणकारियों ने समझदारी दिखाई और अपना अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लिया, जिसके बाद इसे तोड़कर पुलिस ने विभाग की जमीन को मुक्त कराया है। कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई। कार्रवाई चल रही है, पुलिस लाइन का कितना कब्जा था यहाँ? ये अपनी पुरानी पचासा लाइन की जमीन पुलिस के कब्जे में जमीन थी और इसका भी हमने सीमांकन कराया, क्योंकि इसमें आगे निर्माण कार्य किया जाना है, तो इस सीमांकन में जो जमीन अतिक्रमण पे आई है उससे अपन अभी यहाँ कब्जा हटाया है। तो कितनी जगह लगभग तोड़ी गई है, किन लोगों की जगह थी ये? यही आपके सामने जो दिख रहा है रोड के किनारे बाएं तरफ जो जोधपुर मिष्ठान भंडार था उसके पीछे के जो घर थे इन्हीं के सामने, इनके घर के बाहर रोड के इधर इन्होंने बाउंड्री वॉल बना करके दिया था। हालांकि इन्होंने स्वेच्छा से ही अपनी जमीन पर से जो कुछ भी एक्स्ट्रा निर्माण कार्य था उन्होंने स्वेच्छा से हटवाया, खाली कर दिया था, बिल्कुल खाली किया है स्वेच्छा से इन्होंने। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।